Hi students, today we will read about the remaining part of chapter 6 health services. आज हम health services part lesson का जो remaining part था आज उसको explain कर रहे हैं, ठीक है? Page number 32, health centers. Most of our villages do not have hospitals. हमारे अधिकतर गाँव में hospital नहीं है. When people in villages have health problems, they go to health centers. जब गांव के लोगों को कोई भी स्वास्थ्य दिक्कत होती है स्वास्थ्य से संबंधित तो वो कहाँ जाते हैं हेल्थ सेंटर पे. दीज सेंटर्स आर रन बाय द गवर्नमेंट. ये सेंटर कौन चलाता है सरकार चलाती है. विलेजेस हैव प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर्स. गांव में प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर भी होते हैं. ईच सब सेंटर्स हैज टू हेल्थ वर्कर्स वन मेल एंड वन फीमेल. हर एक सब सेंटर पे दो हेल्थ वर्कर होते हैं एक आदमी और एक औरत. हेल्थ वर्कर आर नॉट डॉक्टर्स. ये हेल्थ वर्कर जो हैं वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं बट दे आर ट्रेन टू हेल्प पीपल विथ माइनर नॉट सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम. मगर ये छोटे मोटे जो अगर बीमारी है तो उसका इलाज कर लेते हैं. सीरियस अगर कोई बीमारी है तो ये उसका इलाज नहीं कर पाएंगे. ये बहुत मतलब हेल्थ वर्कर आप समझ लीजिए जैसे नर्सेज वगैरह होती हैं हॉस्पिटल में उस तरह से ये काम करते हैं. जैसे कि नर्स जो हैं वो डॉक्टर की परमिशन के बिना या फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो वो सॉल्व कर लेती हैं बट अगर मेजर प्रॉब्लम है तो उनके बस की बात नहीं होती है. इस तरह से यहाँ पे हेल्थ वर्कर होते हैं. दे कैन गिव फर्स्ट एड. ये आपको फर्स्ट एड दे सकते हैं. दे ऑल्सो टीच द विलेजर्स हाउ टू स्टे हेल्दी एंड बाई ईटिंग वेल कीपिंग देमसेल्व्स एंड देयर सराउंडिंग क्लीन एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड. ये साथ साथ गाँव वालों को ये भी बताते हैं कि वो हेल्दी कैसे रहेंगे. अच्छा खाना खाकर अपने आसपास सफाई रखकर और समय समय पर अलग अलग रोगों का क्या करवा के टीका लगवा के इंजेक्शन लगवा के. व्हेन समवन हैज़ अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम. जब किसी को काफ़ी सीरियस कोई बीमारी हो जाती है या फिर काफ़ी सीरियस उसको बुखार हो जाता है द हेल्थ वर्कर आस्क हिम और हर टू गो टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर. तो हेल्थ वर्कर क्या कहते हैं कि आप कहाँ जाइए प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाइए. अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है. Primary health center. A primary health center looks after the people of many villages. Primary health center जो है वो क्या करता है प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र कह लीजिए. वहाँ पर कई गाँव वालों का इलाज होता है. It usually has a doctor, a nurse and a technician. यहाँ पर एक doctor, एक nurse और एक technician होता है. The technician tests the blood, urine, stool and sputum of patients in the laboratory of the health center. टेक्नीशियन क्या काम करता है. इससे पहले भी आपने टेक्नीशियन के बारे में पढ़ा है. टेक्नीशियन क्या काम करता है जो भी पेशेंट है उसके ब्लड उसके यूरिन उसके स्टूल इनकी वो क्या करता है जांच करता है. अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर आल्सो हेल्प टू एजुकेट विलेजर्स ऑन थिंग टू डू विथ हेल्थ. इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी क्या करती है लोगों को शिक्षा देने का काम करती है कि वो क्या करके अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं. इट होल्ड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्थ कैंप इन विलेजेस. अलग अलग तरीके से हेल्थ कैंप लगाती है गाँवों में लोगों को जागरूक बनाते हैं लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी आप अपने स्वास्थ्य को क्या रख सकते हैं सही रख सकते हैं. इन एन आई कैंप पीपल कैन गेट देयर आई टेस्टेड. आई कैंप अगर जैसे कभी लगा तो लोग वहाँ पर अपनी आँखों का इलाज करवा लेते हैं. इन अ ट्यूबरक्लोसिस कैंप अगर ट्यूबरक्लोसिस कैंप लगा दे आर टॉट हाउ द डिजीज स्प्रेड हाउ इट कैन बी ट्रीटेड एंड सो ऑन. तो वहाँ पर उनको क्या किया जाता है वहाँ पर उनको बताया जाता है कि बीमारी कैसे फैलती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और भी कई सारी चीज़ें. दे आर ऑल्सो टेस्टेड फॉर द डिजीज. इसके अलावा कई सारी बीमारियों के लिए उनके टेस्ट भी किए जाते हैं किसके गाँव वालों के. इन अ वैक्सीनेशन कैंप जब कभी टीके वगैरह का कैंप लगता है जहाँ पर इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है पीपल आर वैक्सीनेटेड एंड टोल्ड हाउ वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स सर्टेन डिजीज. तो वहाँ पर लोगों को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं टीके लगाए जाते हैं और ये बताया जाता है कि आखिर ये टीका जो है वो बीमारी से आपको किस बीमारी से आपको बचाएगा. जैसे आपने अक्सर पोलियो वगैरह का सुना है ना लगता रहता है कैंप वगैरह तो ये वही है. उसी तरह से बाकी बीमारियों के लिए भी सरकार जो है वो कैंप लगाती है हेल्थ कैंप लगवाती है. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज़ बिगर दैन अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर. एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होती है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से बड़ी होती है. इट लुक्स आफ्टर द पीपल ऑफ मेनी मोर विलेजेस. ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ज़्यादा गाँव के लोगों को देखती है. इट हैज़ मोर देन वन डॉक्टर नर्सेज एंड अदर वर्कर्स. यहाँ पर एक से ज़्यादा डॉक्टर नर्स और बाकी जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं वो भी एक से ज़्यादा होते हैं.
लाइक अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इट होल्ड्स हेल्थ कैंप, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की ही तरह ये भी हेल्थ कैंप चलाते हैं। मोबाइल हेल्थ वैन, अ मोबाइल हेल्थ वैन इज लाइक अ स्मॉल हॉस्पिटल दैट कैन मूव अबाउट। मोबाइल हेल्थ वैन क्या है? एक छोटा सा चलता फिरता हॉस्पिटल समझ लीजिए। अ वैन हैज़ मेडिसिन एंड अदर थिंग्स नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट। इस वैन में दवाइयाँ होती हैं, बाकी और भी कई सुविधाएँ होती हैं जो एक पेशेंट को इलाज के लिए चाहिए। अ डॉक्टर एंड अ नर्स यूजुअली ट्रैवल इन अ वैन। एक डॉक्टर और एक नर्स जो है इस वैन में ट्रैवल करते हैं। सच वैन्स गो टू प्लेसेज विच डू नॉट हैव हेल्थ सेंटर्स। और ये वैन्स जो हैं उन जगहों पर जाती हैं जहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की हेल्थ सेंटर नहीं है, न प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, न कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, न हेल्थ सेंटर्स हैं, तो ये उन जगहों पे जाती है। ऑर्गेनाइजेशंस दैट हेल्प, यू हैव लर्नड अबाउट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस। आपने एनजीओस के बारे में सुना है, पढ़ा भी है। सच ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस। इन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं। मेंबर ऑफ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द कम्युनिटी, और इसके जो भी मेंबर होते हैं, इसमें जो भी काम करते हैं, वो लोग किसके लिए काम करते हैं? कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए लोग काम करते हैं। सम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस वर्क इंटरनेशनली और अक्रॉस द वर्ल्ड। कुछ ऐसे भी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में इनकी ब्रांचेस फैली हुई हैं और पूरे वर्ल्ड में ये अपना काम करते रहते हैं। द रोटरी इज़ वन सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रोटरी जो है इसी तरह का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आप अक्सर स्कूल में देखते हैं कि आपको रोटरी क्लब की तरफ से, नहीं होता है कि कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवाए जाते हैं, डांस कॉम्पिटिशन, GK कॉम्पिटिशन्स, है ना। इट्स मेम्बर वर्क्स इन मेनी वेज टू सर्व पीपल। लोग यहाँ पे लोग कई तरीके से लोगों की सेवा करने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दे ओपन ब्लड बैंक्स एंड होल्ड हेल्थ कैंप्स। ये लोग ब्लड बैंक खोलते हैं जहाँ पर लोग आकर क्या करते हैं, अपना खून देते हैं। इसके अलावा ये जहाँ पर ज़रूरत होती है खून की, वहाँ पर ये ले जाकर ब्लड डोनेट करते हैं, या फिर हेल्थ कैंप खोलते हैं, चलाते हैं। द रेड क्रॉस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रेड क्रॉस भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट हेल्प्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में लोगों की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इट्स एम्बुलेंसेस पिक अप सिक एंड इंजर्ड पीपल। ये घायल लोगों को या फिर जो बीमार लोग हैं, इनके एम्बुलेंसेस क्या करती हैं? लोगों को लेके जाती हैं हॉस्पिटल। इट्स डॉक्टर्स ट्रीट पीपल एंड इट होल्ड हेल्थ कैंप्स। उसके बाद डॉक्टर इलाज करते हैं उनका। इसके अलावा रेड क्रॉस जो है वो हेल्थ कैंप भी चलाती है। इट इज़ हैज़ ब्लड बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके ब्लड बैंक हैं पूरे वर्ल्ड में। यू विल रीड अबाउट व्हाट एल्स दे डू इन अनदर चैप्टर। इसके अलावा ये और क्या क्या करते हैं ये नेक्स्ट चैप्टर में आप जानेंगे। ओके, थैंक यू।